जो GST लगता था उससे हटने से स्टूडेंट्स को बहुत, और मतलब उनके जो फैमिली है उनके पेरेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की बस की बात नहीं होती है इतना फ़ीस अफोर्ड कर पाना, इतना पे करना। और यहाँ कोटा में तो सब बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है, कोचिंग फ़ीस, ऊपर से फिर ये हॉस्टल की फ़ीस। तो इसके हटने से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब वो जो लोग पहले यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे जस्ट बिकॉज उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, वो अब यहाँ पे आ पाएंगे, और बहुत मतलब ये एक तरह से उनको एक रिलीफ प्रोवाइड कर पाएगा। आई गेस एक बहुत अच्छा कदम लिया है सरकार ने स्टूडेंट्स की तरफ और पेरेंट्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कोटा आने के लिए या फिर कहीं भी पढ़ाई अफोर्ड करने के लिए आई गेस थोड़ी एक्सपेंसिव तो है, बट GST हटना उतना बड़ा रिलीफ नहीं है, बट फिर भी मतलब उन्होंने इतना हमारे लिए सोचा, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अब जो बच्चे जो पहले नहीं आ पा रहे थे कोटा या फिर कहीं भी जो पढ़ाई वो अफोर्ड कर रहे थे, उनके लिए एक थोड़ी सी रिलीफ रहेगी, और आई गेस बहुत अच्छा कदम लिया उन्होंने। फ़ायदा तो बहुत सारा सरकार ने कर दिया, और ये अच्छा कदम उठाया सरकार ने कि अपन को मतलब जो गरीब बच्चे देश के किसी भी कोने से आ सकते और हॉस्टल में जा सकते, कि GST भी माफ़ कर दिया सरकार ने उसे, और ये बहुत अच्छा किया सरकार ने। परिवार किसी को दिक्कत थी पैसे भरने का, तो परिवार वालों ने कम कर मतलब सरकार ने ये किया कि GST माफ़ कर दिया, तो फिर आप जो गरीब बच्चे हैं तो उनके सपने भी पूरे कर सकते हैं, और जो काम है उनका जो सपने थे वो भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो ये स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है ये बहुत सही लिया है, क्योंकि इसके थ्रू जो फाइनेंशियली बर्डन होता है फैमिली पे वो बहुत हद तक कम हो चुका है, और क्योंकि जब बच्चे ट्यूशंस वगैरह लेते हैं तो एकदम से जो बर्डन होता है पूरी फैमिली पे जाता है, जो कि काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत सही डिसीजन रहेगा।